पूज्य गुरुदेव की महाराष्ट्र में शुरू होने वाली कथा की आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा इतनी ज़्यादा भव्य थी, इतना ज़्यादा गुरुजी का स्वागत हुआ। गुरुजी कलश यात्रा में शामिल हुए और गुरुजी जो है महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं। गुरुजी की कथा जो है 6 मई से प्रारंभ होने वाली है। जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था, आज वो घड़ी समाप्त होने वाली है। बस मात्र कुछ ही घंटे का समय रह गया है, पूज्य गुरुदेव हम सभी के सामने होंगे और बहुत ही खुशी के साथ, उमंग के साथ में ये कथा प्रारंभ होने वाली है। कलश यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, कितनी संख्या में कलश यात्रा निकाली गई है, सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पूज्य गुरुदेव से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां होती हैं सीधे आपको पहुंचा दी जाती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। और जिन भक्तों को महादेव की कृपा चाहिए वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। तो देखिए, आज महाराष्ट्र में शुरू होने वाली जो गुरु जी की कथा है, जो कि शिव भक्त शिव महापुराण कथा के नाम से होने वाली है, जो 6 मई से शुरू होगी। और गुरुजी के स्वास्थ्य ठीक होने के बाद गुरुजी की ये पहली कथा है जो कि प्रारंभ होने वाली है। जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इतनी भारी संख्या में कलश यात्रा निकाली गई है। ये कलश यात्रा जो निकाली गई है कितनी ज़्यादा संख्या में थी, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 5,000 तो बहुत ही कम होते हैं, 51,000 कलशों की संख्या वहाँ पर निर्धारित की गई थी और उससे भी ज़्यादा कलश यात्रा थी। और जो कथा पांडाल है वो अभी से वहाँ पर इतना ज़्यादा भर चुका है, लोगों ने 3-3 दिन 4-4 दिन पहले ही वहाँ पर अपना स्थान जमा लिया है। और गुरुजी के आने से पहले ही उस पांडाल में पैर रखने को भी जगह नहीं है। गुरुजी ने घर में ही साफ रहकर मना कर दिया, जहाँ गुरुजी रुके हैं वहाँ से गुरुजी ने अभी से ही साफ साफ कह दिया है कि लोगों की भीड़ को देखते हुए मैं तो बस यही कहूँगा कि आप जो भी यहाँ महाराष्ट्र में आना चाहती है कृपया करके अपने घर में रुक जाएं और कथा टीवी या फिर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप देखते रहें, बस आप इन कथाओं का घर बैठे आनंद लें। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि पैर रखा जाए। पहले से ही बहुत ज़्यादा भारी संख्या में भक्तों का तांता वहाँ पर लग चुका है। और कथा का जो समय रहेगा वो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक रहेगा। ये कथा आप आस्था चैनल के माध्यम से देख पाएंगे और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से गुरु जी के ऑफिशियल चैनल पर आपको इस कथा का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। तो कथा का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो कल 9:30 बजे का समय आप निर्धारित कर लें। बहुत ही भव्य और शानदार आज का दिन रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ गुरुजी की कथा में पहले कभी नहीं देखी गई, बहुत ही शानदार थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।